बांग्लादेश में जो इस समय मौजूदा परिस्थिति है, जो वहां के हालात हैं, उसके मद्देनजर नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर हालात पर नजर रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क और संवाद बनाए रखेगी, ताकि बांग्लादेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों को, बांग्लादेशी हिंदुओं को और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी एक उच्च स्तरीय अधिकारी करेंगे। पूर्वी कमान के एडीजी बीएसएफ इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति के अन्य सदस्यों में आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, आईजी बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, इसके सदस्य योजना और विकास, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण और सचिव एलपीएआई इसमें शामिल हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण समिति है जो इस समय मौजूदा सीमा पर जो स्थिति है उस पर नजर रखे हुए है।